दोस्तों अभी वाटरफॉल के और बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए और यहाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा शोर है। ये दोस्तों वेलकम टू अज़र यूसुफ चैनल और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं बावली वाटरफॉल। इससे पहले हमने कवर किया था बावली डैम, अभी हम कवर करने वाले हैं बावली वाटरफॉल। दोस्तों ये दोनों जगह जो है ना वो आसपास है, एक दूसरे के बहुत करीब है, लेकिन मैं जिस लोकेशन पे शूट कर रहा हूँ ना जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूँ कि क्योंकि एक डाइवर्जन आता है जो एक रास्ता बावली डैम की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता बावली वाटरफॉल की तरफ जाता है। मैं वो डाइवर्जन और वो रास्ते आपको बताऊँगा ज़रूर और पूरी तरह से इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे बावली वाटरफॉल इगतपुरी। लेट्स गो फॉर इट। दोस्तों लोकेशन की बात तो मैंने बावली डैम के वीडियो में भी की थी लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। ये इगतपुरी रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली 9-10 किलोमीटर दूर है। अगर रिक्शा का चार्ज आप को मैं बताऊँ ना तो बावली डैम और बावली वाटरफॉल अगर आपको दोनों चीज़ कवर करके वापस इगतपुरी स्टेशन जाना है तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपया लेगा और डिपेंड भी करता है कि आप कितने अच्छे से बार्गेनिंग करते हो। सो दोस्तों यहाँ पे जिस लोकेशन पे मैं हूँ ना, मैं पहले आपको वो डाइवर्जन बताता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे हूँ, ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना ये रास्ता आपको ले जाएगा बावली डैम और ये वाला जो अच्छा वाला रास्ता है ना वो आपको ले जाएगा बावली वाटरफॉल। इस बात का ध्यान रखना है। मैं वहाँ से आया हूँ इगतपुरी रेलवे स्टेशन से, जब आप आओगे तो आप वहाँ से आओगे और ये जो गंदे रास्ते पे आप जाओगे ना, आधा किलोमीटर रास्ता बहुत ही ऑफ रोडिंग है, ये आपको ले जाएगा बावली डैम जो आपको यहाँ से भी हल्का सा दिख रहा है और ये अच्छा वाला रास्ता आपको ले जाएगा बावली वाटरफॉल। सो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, वाटरफॉल की तरफ जाते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आसपास ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए वो जो फिल्मों में आप यूजुअली देखते हो ना, यहाँ पे आप ट्रैक्टर आ गया है, बहुत सारी आवाज़ आएगी आपको, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आएगी या नहीं। हाँ हाँ दिख रहा है बिल्कुल। दोस्तों जो रास्ता मैंने आपको दिखाया था ना वहाँ से सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर दूर फाइनली वाटरफॉल आ गया, वाटरफॉल देखने का टाइम आ गया है और जाने का टाइम आ गया है वहाँ पे नज़दीक। लेकिन उसके पहले मैं आपको पीछे बैक वाटर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये एक्चुअली वो जो वाटरफॉल उधर बह रहा है ना उसका पानी है ये। इफ़ यू रिमेंबर हम वहाँ पर वो रहा बावली डैम जहाँ से हमने बैक वाटर्स देखा था, ये वही है बस एंगल अलग है। और अब हम देखते हैं वाटरफॉल, बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे। दोस्तों अगर पार्किंग की बात करूँ ना तो यहाँ पे ऐसा कुछ पार्किंग नहीं है लेकिन रास्ते में बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, अब तक जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हमने कवर किए ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश है। देखते ये देखिए ये लाइन से आप देख रहे हो ना, ये लाइन से रिक्शा वाले कार वाले सब लाइन से पार्क्ड है। हमने हमारी गाड़ी भी पार्क कर दी है यहीं पे कहीं, वहाँ पे आगे मैंने पार्क की गाड़ी और ये अब मैं आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल। ये देखिए ये जो आप सामने देख रहे हो ना वो है वाटरफॉल, वहाँ अपने को जाना है लेकिन यहाँ पे ये रास्ते से होते हुए जाना है और आप देख सकते होंगे कितना सारा रश है यहाँ पे, रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है। लेकिन वाटरफॉल इतना खूबसूरत है ना, देख के लग ही रहा है कि क्यों इतना ज़्यादा रश है। लेकिन एक और बात, टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, क्या टाइम हुआ है ज़रा देखूँ, 3:30 बज रहे हैं और इतना रश है। तो अगर आप और ज़्यादा सुबह आओगे तो बेटर रहेगा, आई थिंक 10-11 बजे अगर आप आ सकते हो तो बेटर रहेगा, आपको रिलेटिवली बहुत कम रश मिलेगा। अभी फ़िलहाल रश बहुत है लेकिन अब आए हैं तो जाना है ज़रूर। इस रास्ते से होते हुए सीधा वहाँ जाते हैं, देखते हैं रास्ता कैसा है। दोस्तों यहाँ पे जो चलने का रास्ता है ना वो काफ़ी डिसेंट है, हर उम्र के लोग चल सकते हैं, चाहे बच्चे हो या 50+ या 60+ हो, चल सकते हो। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चल सकते क्योंकि थोड़ा सा स्लिपरी है रास्ता, थोड़ा सा मतलब मड़ी है रास्ता, आप फिसल सकते हो। अगर आप आराम आराम से ध्यान से चलोगे तो आप आराम से चल सकते हो। दोस्तों ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक पहुंच गया हूं मैं वाटरफॉल के, यहां से मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूं और यहां से थोड़ा सा 360 डिग्री व्यू भी दिखाना चाहता हूं कि कितना अच्छा यहां से व्यू दिख रहा है और मज़ा आ रहा है। मौसम ज़बरदस्त है,
बीच में बारिश आ रही थी लेकिन 10 मिनट आ रही है और फिर बारिश चले जा रही है। ये बहुत अच्छा है, आज मौसम ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा साथ दिया है मेरा। तो अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। सबसे पहले वाटरफॉल से शुरू करते हैं। ये देखिए वो सामने जो आपको दिख रहा है ना वाटरफॉल, वो इतनी दूर से ही दिख रहा है कि उसका फ्लो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और ये पूरा बैक वाटर्स है, वो जो डैम हमने देखा था उसका बैक वाटर है। पानी गहरा है, इससे खेल नहीं सकते दोस्तों। और ये अगर व्यू की बात करूँ ना तो पूरी ग्रीनरी, वहाँ पे पहाड़, फॉग फिर भी इतना फ़िलहाल दिख नहीं रहा है। ये देखिए जगह जगह से झरने बहते जा रहे हैं, वो मेन है। ये देखिए वहाँ पे भी कुछ लोग जो है ना बैठ के आराम से बैठ सकते हैं एक्चुअली वहाँ पे। दोस्तों अभी वाटरफॉल के और बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए और यहाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा शोर है। ये देखिए ये रहा वाटरफॉल और यहाँ अभी हम नीचे ही है, अभी हम ऊपर नहीं गए। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रश दिखाता हूँ। रश देखो, शोर देखो कितना सारा है। ये देखिए ये है वाटरफॉल, वहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे बहुत कम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे एक्चुअली जाना है। और ये पूरा ये देखिए बहुत सारा रश ना उधर आके रुक गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको बहुत सारा रश देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा और नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि यहाँ का ऑरा ही अलग है, बहुत शोर है। उस वाटरफॉल के जितने नज़दीक हो सकता है उतने नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो व्यू और नज़दीक आने के बाद, लेकिन मैं सबसे पहले बताता हूँ वहाँ पे मैंने लास्ट सीन शूट किया था। उसके बाद मैं यहाँ से इस पत्थरों के रास्ते से आया और ये रहा वाटरफॉल। काफ़ी दूर हूँ अभी भी वाटरफॉल के, लेकिन पानी के काफ़ी छींटे यहाँ तक उड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों आगे मैं ले जाऊँगा, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले कितना सेफ़ है ये। दोस्तों ये जानलेवा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ वहाँ आपको चोट लग सकती है, जानलेवा बिल्कुल भी नहीं है, सेफ़ है। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बोला, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते आप, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा तो आपके लिए सेफ़ है। ये देखिए थोड़ा और ऊपर जाते हैं ताकि और अच्छा व्यू हमको मिले। लोग वहाँ पे भी गए और रिलेटिवली देखो जाने का रास्ता ना सेफ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए, मेरा एफर्ट पसंद आ जाए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यहाँ पे फैमिली के साथ आना, बहुत मज़ा आएगी। आगे बढ़ते, ये देखिए पानी के छींटे उड़ रहे। हाँ पानी के छींटे यहाँ तक उड़ रहे हैं और बहुत सारा पानी आ रहा है। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए काफ़ी ऊपर, ऑलमोस्ट लेवल 1 के ऊपर टॉप पे पहुँच गए हम। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पहले। ये देखिए वाटरफॉल, इतने ऊपर आ गए हम, इतने ऊपर। वो लोग देख रहे हो ना इतने नीचे हैं, हम लोग इतने ऊपर आ गए। देखिए दोस्तों ये लेवल 1 है, आप लेवल 2 पे भी जा सकते हो। अगर आप देखो ना वहाँ पे लोग है, लेकिन ये जो रास्ता है ना थोड़ा सा काई जमा हुआ है। मुझ जैसे जैसे मैंने सैंडल्स पहना हूँ वो सही नहीं है जाना, रिस्की हो सकता है। रास्ता बहुत नैरो है और काई जमी हुई है, थोड़ा भी रिस्क और आप सीधा गिरते हुए जाओगे नीचे। उतना करने का जितना हो सकता है, उतना करने का जितना सेफ है। यहाँ पे लेवल 1 आने का रास्ता जो था वो काफ़ी सेफ था। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन रिस्क है कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए। यहाँ से भी जो व्यू दिखता है, आप वाटरफॉल को पूरी तरह से इंजॉय करोगे तो फिर लेवल 2 पे जाना ही क्यों। यहाँ से जो व्यू मिल रहा है उसको इंजॉय करो और आपको मज़ा आएगी। आपको व्यू दिखा देता हूँ एक बार, ये रहा वाटरफॉल।
जो फोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फोर्स है। ये देखिए एकदम हैवी फ्लो, और ये पानी ना यहाँ पे हवा में उड़ रहा है नीचे, ऑल थ्रू आउट। मैं ऊपर चढ़ रहा था ना तो मुंह पे पानी आ रहा था, और ये देखिए इतने ऊपर आ गए हम। वो जो पूरा आपको झुंड दिख रहा है ना, मैक्सिमम टूरिस्ट ना वहाँ पे आके रुक जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनको डर लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है जानलेवा है, लेकिन जानलेवा नहीं है। अगर अनसेफ होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, यहाँ पे बच्चे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये जो पानी बहता हुआ जा रहा है ना वो सीधा बैक वाटर्स की तरफ जा रहा है भावली डैम के, जो डेंजरस हो सकता है, तो इसीलिए सावधान रहना ज़रूरी है।